नहीं, ये भी सही नहीं बना। क्या करूं? नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ऊपर से धंधा पानी भी नहीं चल रहा, चीजें बनाकर क्या करूंगा? क्या हुआ जी, इतनी जल्दी दुकान से क्यों चले आए? हाँ, इसका मतलब आज भी कोई बोनी वगैरह नहीं हुई है ना? नहीं। अच्छा, भले लोगों की क्या इस दुनिया में कोई कदर नहीं है? सिर्फ भला इंसान होना काफी नहीं होता, काम भी अच्छे से करना पड़ता है ना। मैं तो अच्छा करने की ही कोशिश करता हूँ, पर कोई लेता ही नहीं है, इसलिए सब्र नहीं होता। जी नहीं, काम के मामले में उल्टा है, आप में सब्र बहुत ही कम है, इसलिए आप काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग आपसे सामान नहीं लेते, समझे आप? है? तुम भी यही कह रही हो। चलो छोड़ो, पूरे दिन बैठकर एक कपड़ा बनाया है मैंने, कल बाजार जाऊंगा, देखते हैं शायद बिक जाए। घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है, रात को भी आधे पेट ही खाना पड़ेगा, और अगर धंधा पानी नहीं हुआ तो कल से सिर्फ पानी पीना पड़ेगा। घर जाते ही राधा फिर से ताने मारेगी, पर उसे भी दोष देना सही नहीं है, खाली पेट आखिर कब तक सहेगी? धत धत है ऊपर वाले, आज इस जंगल में ही मेरी मौत हो जाए। इंसान, इसे खाऊंगी, गर्दन काट कर खून पीऊंगी, खाल उतार कर मांस खाऊंगी, उस खाल से ढोलक बनाऊंगी और जोर जोर से खूब बजाऊंगी। कौन हो तुम? ओहो, लगता है कि जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। पहचानता हूँ? मैं तुम्हें पहचानता हूँ? मुझसे चालाकी, बिना पहचाने बुला क्यों रहा था? मैं तुम्हारी मौत हूँ, मौत, मैं मौत हूँ तुम्हारी। तू कह रहा था ना मरना है? मतलब? अरे तू तो मरना चाहता था, तू कष्ट क्यों करेगा, उससे अच्छा है ना कि मैं तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे खा जाऊं। हाँ, तुम खा लो, मर गया हो, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? तुम प्रेतनी हो तो क्या तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, क्या इज्जत नहीं है कोई? क्यों 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 क्यों? तुम्हें कैसी फटी हुई साड़ी पहनकर लोगों के सामने आ जाती हो? पर मैं तो मर चुकी हूँ, मर कर प्रेतनी बन चुकी हूँ, अब कौन साड़ी देगा मुझे बोलो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी बना दूंगा, मैं एक दर्जी हूँ। तुम मुझे साड़ी बना कर दोगे? हाँ, मैं ना तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी और सबसे सुंदर साड़ी बना दूंगा, पर अगर तुम मुझे खा लोगी तो फिर मैं ना, फिर मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मेरे लिए लाल रंग की साड़ी बना देना, उसमें बड़े बड़े फूलों वाली छाप भी बनाना। उसमें तो बहुत ही ज्यादा मेहनत है, काम वाली साड़ी बनाने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, खर्चा भी है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारी ही साड़ी बनाऊंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या? वो भी अच्छा है, सुन, तू जितने दिनों तक साड़ी बनाएगा उतने दिनों तक मैं रोज 200 रुपए तुझे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, लगता है तुम्हें मरे काफी वक्त हो गया ना, इसलिए अभी के बाजार का भाव तुम्हें कुछ नहीं पता है, अब मुझे हमेशा 500 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर इस समय किसी दूसरे की कोई चीज मत बनाना, ठीक है, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी ही बात रहेगी, कोई और आएगा तब बनाऊंगा ना। हाय
अरे मेरी किस्मत, ये मेरी शादी किससे हो गई है? ये तो घर में प्रेतनी बुला रहे हैं। इससे अच्छा होता कि मेरे लिए एक सौतन ही ले आते। अरे मेरी किस्मत, किसके पल्ले पड़ गई मैं, अब क्या करूं? अरे धत, तुम चिल्ला क्यों रही हो हैं? भाग्य कब किस रूप में बदलता है कोई नहीं बता सकता है राधा, ठीक है? हमारे घर में सौभाग्य प्रेतनी का रूप लेकर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ये भूतनी प्रेतनी के साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने बाप के घर चली जाऊंगी। अकल नाम की चीज है भी या नहीं? ओह, रोज रोज जो 500 रुपए मिलेंगे वो क्यों भूल रही हो? उससे हमारा घर तो आराम से चलेगा ना, क्यों? चावल दाल के साथ मांस मछली भी तो मिलेगा हमें। ओह, पर कितने कितने दिनों तक मैं भी तो सुनूं, साड़ी कभी ना कभी तो पूरी हो जाएगी ना। और अगर वो उस प्रेतनी के कहने के अनुसार खूबसूरत फूलों वाली नहीं हुई, फिर तो गए काम से, खुद तो मरेंगे, उस प्रेतनी से मेरी भी जान निकलवा लेंगे। अब मैं क्या करूं, कैसा बेवकूफ है ये। अरे तुम ही तो कहती थी कि धैर्य रखकर एक अच्छा काम कर लो, फिर देखना सारी समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। हाँ वो तो मैं कहती ही थी, आज भी कहती हूँ, पर आपके हाथों अच्छी साड़ी बनना तो असंभव है, असंभव। अरे एक बार कोशिश करके देखता हूँ ना, जब पैसे कमाने की बिल्कुल फिक्र नहीं होगी तभी तो सब्र रख कर काम कर पाऊंगा ना मैं, ठीक है? सुनिए, आप और आपकी प्रेतनी रहिए यहाँ पर, मैं तो कल ही मायके चली जाऊंगी। अरे वाह, इसका रंग कितना सुंदर है, एकदम गाढ़ा लाल। तूने पूरे दिन भर में बस एक ही फूल बनाया। हाँ, पर ये भी अच्छी नहीं बनी। हाय हाय, खोल दिया, अच्छी ही तो बनी थी, फिर क्यों खोल दिया? हाँ, नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी दूंगा तुम्हें, अगर खूबसूरत नहीं हुई तो तुम सुंदर कैसे लगोगी? ठीक है ठीक है, फिर वही कर जैसा तुझे ठीक लगे, और ये ले तेरे 500 रुपए, मैं कल फिर आऊंगी, ठीक है? जरा दिखा 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 तू। अरे वाह, क्या बात है, हो गया। नहीं, ये भी ठीक नहीं बनी है, इसलिए खोल देता हूँ, फिर से बनानी पड़ेगी। अरे 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 अरे, क्या बात है, ये सब क्यों लेकर आई हो? मैंने तय किया है कि अब से मैं यहीं पर रहूंगी, जब साड़ी तैयार हो जाएगी तब लेकर चली जाऊंगी। अजी, ये क्या किया मेरे साथ आपने, क्यों किया? ये कैसा चरित्र है आपका, उस प्रेतनी से शादी कर ली, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, क्यों किया ऐसा आपने, जवाब दीजिए, क्यों किया? अरे चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। राधा, ये तुम क्या अनाप शनाप पक्के जा रही हो? अनाप शनाप, पूरा गांव जानता है कि उस प्रेतनी को आपने अपने घर में रखा हुआ है। हाँ रखा है रखा है, पर ये रखना वैसा रखना बिल्कुल नहीं है, बीवी नहीं है, बीवी नहीं है, पेइंग गेस्ट है। यहाँ रहने और खाने का खर्चा अलग और 500 अलग से देती है वो, मतलब हर रोज 1000, समझी? अरे बाबा, और वैसे भी जब मेरे पास राक्षसनी बीवी है तो मैं प्रेतनी से शादी क्यों ही करूँगा? अच्छा ये बात है, पर वो है कहाँ ये तो बताइए। दूसरे कमरे में, साड़ी पूरी होने के बाद ले जाएगी। अरे ओ श्यामू, 1 साल पहले मेरे पास जो साड़ी थी वो भी फटकर खराब हो चुकी है। देखो, मैं लोगों के सामने भी नहीं जा सकती,
अब तू मेरी साड़ी जल्दी बना कर दे। अरे क्या कह रही हो, साड़ी तो पूरी ही नहीं हुई है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसा मत कर, मैं तुझे सारी जिंदगी पैसे दे कर जाऊंगी। अब तो साड़ी दे दे श्यामू। ऐसा कैसे हो सकता है प्रियतनी मैडम, देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक सुंदर साड़ी बना कर दूंगा, और जब कहा है तो मैं बना कर दूंगा ही, ठीक है ना? और ये मेरी जबान है। हाय हाय हाय, अब ये जरूर मार डालेगी। ऊपर वाले रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। पूरा साल बीत गया, अब तो नया साल आने वाला है, मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं है। अच्छा तब तक तो इसे लेकर ही काम चलाओ। मैं तुम्हारी साड़ी जरूर बना दूंगा, ठीक है? अच्छा आईना कहाँ पर है? वहाँ है ना, अंदर अंदर जाओ ना, जाओ जाओ। बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल मुंबई की हीरोइन की तरह। सही कह रही हो, फिर ठीक है।